नमस्कार, सुप्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई, जहां वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर से जुड़ी एक खबर सामने आई। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर के जो है सुनवाई हुआ बीते दिन, और ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। तो देखिए, आपको बता दें कि एएसआई सर्वे जो है ज्ञानवापी परिसर में हो रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने पहले उस सर्वे पर रोक लगाया, जिसके बाद फिर से कल सुनवाई हुई, और अब सुनवाई के बाद जो है एक और तारीख सामने निकल कर आई है। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को कल सुनवाई किया, और फिर इसकी अगली तारीख 28 जुलाई हो गई है। है उसमें अभी फाइलिंग सेक्शन में है, अभी मैं कैविएटर हूँ, कोई कॉपी नहीं मिली है, और ऑनरेबल कोर्ट मेरिट पे कल इस पे सुनेगी। जी, ये मुझे अभी ऑफिशियली मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है, कहाँ मैटर जाता है ये देखना होगा। जी, टीपी नहीं चल रहा। हाँ, ये कल केस सुना जाएगा। जी, कल सुनवाई हो सकती है इस मामले में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कब सुनवाई होगी या शाम को क्लियर होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं? उनका दलील बेसिकली यही है उनकी पेटिशन में कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए, और अगर सर्वे होगा तो हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज होगा, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी ऑर्डर नहीं पास कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एक पैरेलल मैटर पेंडिंग है। और हमारा उसका सीधा जवाब है कि जो वजू टैंक का एरिया है वो ऑलरेडी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सक्लूड कर चुके हैं, वहाँ पे सर्वे होना ही नहीं है। तो और भी बातें हैं, वो सारी चीजें एक बार पेटिशन और हियरिंग के बाद हम आपको अपडेट देंगे। अभी बेंच नहीं डिसाइड हुई है कोई? नहीं, अभी कोई कोर्ट नहीं डिसाइड हुई, मुझे सिर्फ केवीएट की कॉपी मिली है। बाकी बातों पे मैं जानकारी मैं नहीं रखता हूँ कि हाई कोर्ट का क्या इंटरनल प्रोसेस, उसमें मैं आपको जानकारी दे भी नहीं सकता। कल शाम को 5 बजे तक जैसे एएसआई सर्वे पर। अब भैया ये तो देखिए, अंजुमन इंतजामिया, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये अंजुमन इंतजामिया का क्या कहते हैं, उनका ज्यूडिक्शन है कि उनको कब हियरिंग करानी है। उन्होंने पेटिशन की कॉपी मुझे रिसीव कराई है, पेटिशन फाइल की है, मैं इस समय आपको। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। काशी विश्वनाथ और विशालाक्षी मंदिर पहुंच दर्शन पूजा किया, यात्रा पूर्ण रूप से धार्मिक नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बयान दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वर्ष 2000 बैच के आईएएस अमित गुप्ता ने मंडलायुक्त का कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका फोकस जन शिकायतों के निस्तारण पर ज्यादा रहेगा और जनता से सीधा संवाद रखेंगे, जिससे उनकी दिक्कतों को आसानी से समझा जा सके। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आम जनजीवन को सहूलियत हो, उद्योगों का विकास हो, लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके, यह सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा कानपुर यूपी का सबसे बड़ा शहर है, इसके होने के नाते यहां की समस्याएं भी बड़ी हैं, इसलिए प्रयास रहेगा कि यहां का जनजीवन सुगम हो और व्यवसाय और उद्योग बढ़ सके, यह प्राथमिकता रहेगी। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं इस समय, जो बड़े शहरों के विकास को लेकर, वहां के आम जनजीवन को सहूलियत हो, उद्योगों का विकास हो, लोगों का रहन सहन अच्छा हो, ट्रैफिक में सुधार हो, प्रदूषण कम हो, वो सारे विषय पर हम लोग काम करेंगे। और इसके अलावा कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, यूपी का सबसे बड़ा शहर है, शहर रहा है, तो उसमें बड़ा शहर होने के नाते इसकी कुछ विशेष समस्याएं भी हैं, और जैसे जैसे आगे यहाँ देखेंगे जो जो चीज़ें आएंगी, प्रयास यही रहेगा कि यहाँ के आम जनजीवन सुगम हो और साथ में जो यहाँ का व्यवसाय व्यापार उद्योग बढ़े, लोगों को सहूलियत हो। राजस्थान के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक सवाई माधोपुर के रणथ भौर नेशनल पार्क से गुड न्यूज मिली है। जानकारी के मुताबिक यहां बागीर एरोहेड ने 3 शावकों को जन्म दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन शावकों का वीडियो शेयर करते हुए खुशी जताई है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि वन के नए मेहमान स्वागत करे राजस्थान। रणथ भौर के वन से बाघ के 3 नए शावकों के जन्म का सुखद समाचार प्राप्त हुआ। जंगल का ये खूबसूरत वीडियो हमारी बाघ और वन्य जीव संरक्षण की प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है। राजस्थान बाघ अभ्यारण्य टीम को हार्दिक बधाई और शाबाशी।
अजगैर शैण में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रमेश मैखूरी ने संगठन के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। हरेला सप्ताह के कार्यक्रम में गैर शैण मंडल में संगठन परिवार के साथ वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव, जिला उपाध्यक्ष संजय रावत, गैर शैण विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख शशि सोरियाल, जिला मंत्री वीरेंद्र टमटा, गैर शैण के मंडल अध्यक्ष हीरा फनियल, नगर मंडल अध्यक्ष कस्तूरा देवी आदि लोग मौजूद दिखे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह प्रदर्शनी उन संस्थानों, उद्योगों और व्यापारियों को एक मंच प्रदान करती है जो सेमीकंडक्टर तकनीक और उससे संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह एक नई पहल भारतीय उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उनकी सरकार की नीतियों और उनके प्रशासन की आलोचना की है। प्रदर्शन में तनाव बढ़ता देख पुलिस ने अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का भी उपयोग किया था। वहीं भाजपा कार्यकर्ता अपने आप को टिकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से उन्हें तितर बितर कर दिया। इस प्रक्रिया में कुछ लोग घायल भी हो गए थे। विरोध प्रदर्शन के बावजूद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपने स्थिति पर अड़ी रही, जिसमें वे दिल्ली वासियों के हित में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भव्य संघर्ष के दौरान चौकीदार शिव सिंह ने नहर पुलिस पर हुई मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में 13 लोगों की जान बचाने के लिए अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने इस नौकरी को प्रेम से निभाया और एक बार फिर एक व्यक्ति को नहर से बचाया। उनके शौर्यपूर्ण कार्य को देखते हुए संजय सिंह सनी और एसओ उचौलिया ने उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद शाह और डीएम खीरी महेंद्र बहादुर सिंह ने भी इस वीर चौकीदार को सम्मानित करने की मांग की है। इससे समाज में शौर्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। दुर्घटना में 13 लोगों की बचाई गई जान, चौकीदार शिव सिंह ने दिखाया अद्भुत साहस। शाम से हमारी तैयारी थी वहां के लिए, क्या नाम, कावर लेके नीलकंठ और हरिद्वार के लिए। सुबह हम जल्दी उठे तो 6 बजे एक टाइम रहा, बाल्टी में पानी भर के और नहाने के लिए खड़े हुए। तब तक पीछे आवाज आई बहुत तेजी से, तो हम भाग खड़े हुए, तो हमने जो है वो मोटरसाइकिल उठवाई। तो राम सागर खड़े हुए कि भैया भैया हमारे भैया नहर में गिर गो। तब तक वो पश्चिम गिरे पूरे बहाव में, हमने देखा कोई डूब जा रहे थे, थोड़े थोड़े हाथ चमके। तो उसके बाद में हम कूदे और एकदम भाग के गए एकदम से, और हमने कहा भैया भैया सौरभ, और सौरभ हमने इशारा करा, सौरभ हमारे ऊपर चढ़ गए। हमारे दो चार को उतार, देखो आंखन में, भाई हमारी आंखन में पानी भरा है, मुंह में पानी भरा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के समय होमगार्ड विभाग भी अपने मुख्यालय को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार और डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने अयोध्या पहुंचकर नई जमीन खोजने की योजना बताई है। सभी कर्मचारियों को किराए की बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। विभाग ने ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी नई बिल्डिंग निर्माण की योजना बनाई है और बेहतरी के लिए स्टैंडर्ड मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, ताकि होमगार्ड को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। अयोध्या राम मंदिर की नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे होमगार्ड के विभाग। जी, अयोध्या पे आज हमारे मंडलीय कार्यों की समीक्षा है और साथ ही हमारा यहाँ पर मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र है, उसको भी हम कैसे उसमें क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर, मैं और डीजी और हमारे साथ में हमारे प्रमुख जो हमारे डीजी हैं जो ट्रेनिंग रूरल ट्रेनिंग सेंटर्स के, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे डिवीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसमें हम अपने होमगार्ड्स को प्रशिक्षण देते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हमारा होमगार्ड भी प्रशिक्षित होकर के उतना ही एक मजबूत जवान निकले, जैसे कि बिल्कुल उसमें और किसी भी बढ़िया से बढ़िया सुरक्षा बल के जवान में आप अंतर न कर पाएं, इस स्तर का हमारा होमगार्ड का प्रशिक्षण हम कर सकें। और उसके लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, अभी तक हमारा किराए की बिल्डिंग में यहाँ पर चल रहा था,
अब अयोध्या के विकास के परिप्रेक्ष्य में उसको वहाँ से हमें परिवर्तित भी करना होगा, स्थान परिवर्तित भी करना होगा और साथ ही एक नई बिल्डिंग भी बनानी होगी। तब तक इंटरिम पीरियड के लिए हम उसकी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ये भी आज के हमारे भ्रमण का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया से की और कहा कि उन्हीं की तरह विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज आए और उन्होंने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, उसी तरह विपक्ष अपने को इंडिया के नाम से पेश कर रहा है। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम प्रदर्शन करना है, उन्हें करने दें और आप लोग अपने काम पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि उनका मकसद 2027 तक भारत को से देश बनाना है और तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। पीएम ने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है, उसने मन बना लिया है कि वह विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि लोग श्रीदेव सुमन के जीवन और कार्यों पर आधारित इस फिल्म के माध्यम से श्रीदेव सुमन का अनुभव करेंगे। इस फिल्म के निर्माण के लिए कार्य कर रहे सभी कलाकारों की इसमें भूमिका अहम होगी। श्रीदेव सुमन ने समाज के लिए दिए योगदान हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन किया। आगे उन्होंने कहा कि अनेक अमानवीय यातनाओं को झेला लेकिन सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन केवल एक जननायक ही नहीं थे बल्कि उनके भीतर एक अटल देशभक्ति भी थी। वे क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी, रचनाकार, पत्रकार और दूरदृष्टि की सोच रखने वाले महापुरुष थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था तभी एक आंदोलन टिहरी प्रजा मंडल के द्वारा चलाया जा रहा था जिसका नेतृत्व श्रीदेव सुमन कर रहे थे। हल्द्वानी शहर में हादसों का कारण बन रहे आवारा पशु और कुत्तों के आतंक से अब व्यापारी भी तंग आ चुके हैं। उन्होंने महानगर का रूप ले रहे शहर में जल्द गौशाला बनाने की मांग को लेकर मेयर को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने कहा कि शहर में मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग, मुखानी, नहर कवरिंग क्षेत्र, गली मोहल्ले और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आवारा पशुओं का जमावड़ा लग रहा है। वहीं आवारा कुत्तों का भी शहर में खासा आतंक है। आए दिन मवेशियों और कुत्तों की वजह से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण किए जाने की मांग की है। वहीं मेयर ने आश्वस्त किया है कि गौलापार क्षेत्र में राजस्व विभाग की जमीन का चिन्हीकरण किया गया है और जल्द ही वहां गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। डॉग फैमिली के जितने भी डॉग्स हैं उनको हम लोगों ने डॉग्स को स्टराइल कर दिया है। लगभग 6,000 डॉग्स को स्टेराइल वर्तमान में नगर निगम कर चुका है, यानी कि उनकी प्रजनन की शक्ति को खत्म किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में हल्के हल्के करके ये वीन आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो एक भी मेरी दृष्टि में आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा आवारा गोवंश की जहाँ तक बात है उसके लिए एक सरकार स्तर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जिलों में जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि स्थान को चिन्हित करिए और एक अच्छी गौशाला बनाइए ताकि सभी आवारा गोवंश वहां पर अच्छे से रहें, खाना अच्छे से उनका खाद्य सामग्री इत्यादि मिले और स्वस्थ रहें। नूह जिले में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एनजीओ की मदद से मेवात विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त 600 से अधिक शिक्षा सहायकों का कार्यकाल बढ़ाने की योजना है। साथ ही अगले 15 से 20 दिनों में 400 नए शिक्षा सहायकों की नियुक्ति की उम्मीद है। नूह के उपायुक्त प्रशांत पवार ने बताया कि सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और नौकरी पाने वाले बेरोजगारों की संख्या को कम करने के लिए उठाया गया है। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।